भाई हमारे YouTube चैनल में, तो हमारे करेले की खेती में आज स्टेकिंग कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग जानेंगे करेले की खेती में इम्पोर्टेंस क्यों है स्टेकिंग का, और कैसे हम लोग करें, और हमारा जो तार का मोटाई होना चाहिए वो तार का मोटाई क्या होना चाहिए, कौन सा हम लोग धागा यूज करेंगे, कितना खर्च आता है, तो ये सब चीज़ों को हम लोग अभी जानेंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये करेले की खेती में हम लोग अभी जो करेला का हमारा पौधा है ये ऑलमोस्ट अभी 25 से 30 दिन का पौधा है जो कि अच्छा ग्रोथ हुआ है, और आप लोग ये देख पा रहे हैं ये काफ़ी इसमें अभी फल निकला है करेला में। तो इम्पॉर्टेंट यही है क्योंकि अगर हम लोग स्टिकिंग नहीं देते हैं तो जो हमारा ये जो फ्रूट है वो डिजीज लग जाता है उसमें और अच्छा ग्रोथ नहीं हो पाता है, जिसके वजह से हम लोग देते हैं स्टेकिंग की लॉन्ग टर्म तक हमारा जो फ्रूट है वो निकलते रहे, हमारा प्रोडक्शन हाई हो, यील्ड अच्छा हो, तो इसलिए हम लोग स्टेकिंग देते हैं। ये तो बात हुआ इम्पोर्टेंट का। और हम लोग बात करें कि जो हम लोग देते हैं ये खम्भा और ये तार, तो ये क्या होना चाहिए, क्या डिस्टेंस होना चाहिए, तो डिस्टेंस आप लोग देख रहे हैं जो हमारा खम्भा है, खम्भा से खम्भा की दूरी जो है वो कम से कम 15 फीट आप लोग ले सकते हैं अगर आपको मजबूती चाहिए। और हम लोग बात करें यहाँ खम्भा को स्टेकिंग करने का, तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ जो खम्भा है इसको गाड़ने के बाद एक जो सिरा है, सिरा से हम लोग दोनों तरफ ये तार एक नीचे की तरफ बांधे हैं, जिसके वजह से ये जो हमारा वजन होगा ये फ्रूट का जब फलेगा तो ये वजन को तान के रखेगा, हमारा खम्भा गिरेगा नहीं, इसलिए हम लोग इसको देते हैं। अगर ये बात करें हम तार की मोटाई का, तो तार का जो मोटाई होना चाहिए वो 18 GSM का होना चाहिए, जिसके वजह से आपका जो ये है जो आपका लत्तर चढ़ेगा वो मजबूती बना के रखेगा, उसको गिरने नहीं देगा। इस वजह से जो टॉप पे है आप लोग 18 नंबर का आप लोग तार दे सकते हैं, और ये हम लोग 3 लेयर का तार दिए हैं, आप लोग देख रहे हैं एक जो है ये सबसे नीचे जो है 2 फीट पर हम लोग दिए हैं, और दूसरा 4 फीट पे है, आप लोग सबसे जो टॉप पे देते हैं वो 5 फीट दे सकते हैं, 6 फीट दे सकते हैं, क्योंकि जब हमारा ये बढ़ेगा तो उसको जगह भी चाहिए, स्पेस चाहिए, इसलिए हम लोग 6 से 7 फीट तक जो खम्भा होता है उसको रख सकते हैं, आप लोग कम भी रख सकते हैं, उसके वजह से अगर आपको मचान बनाना है तो आप कम भी रख सकते हैं। और आप लोग देख रहे हैं ये जो धागा है, धागा को अच्छे तरीके से ये यहाँ पर लगाया गया है, ये धागा आप लोग लगा सकते हैं, या आप लोग यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ आप लोग ये दिखाते हैं ये जो प्लास्टिक का धागा होता है इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ये थोड़ा सा आपके कॉस्ट को बचाता है और काफ़ी लॉन्ग टर्मिंग भी होता है, ये आराम से आपका 6 महीना से 1 साल तक चलता है, और इसका कॉस्ट काफ़ी कम होता है, ये आपको 80 से 100 रुपये KG मिल जाता है। और अगर बात करें हम 1 एकड़ में, तो 1 एकड़ में कम से कम आपका 10 KG जैसा लग जाता है आपको स्टेकिंग करने में, तो ये बहुत कॉस्टली नहीं है, आपके बहुत कॉस्ट बचता है अगर प्लास्टिक का यूज करते हैं तो, और लॉन्ग लास्टिक भी है, तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। अगर बात करें हम आपके खर्च को बचाने के लिए, तो आप लोग जो ये खम्भा होता है खम्भा को आप लोग 2 पार्ट में बांट के भी लगा सकते हैं, नहीं तो जो पतला बांस आता है 30 से 40 रुपये स्टेकिंग वाला वो आप लोग यूज कर सकते हैं, तो आप लोग भी इसको यूज करिए और अपने खेती में स्टेकिंग को करिए क्योंकि आपका प्रोडक्शन हाई होगा। और भी करेले की खेती के विषय में आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट के माध्यम से आप हमको बता सकते हैं। जय हिंद, जय किसान।